हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्लास 6 चैप्टर 2 दैट इज होल नंबर में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। आपको सुटेबल रीअरेंजमेंट्स करके इनका सम फाइंड आउट करना है। रीअरेंजमेंट वर्ड आप लोगों ने कहां पे सुना है, किस प्रॉपर्टी में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं एडिशन में, यहाँ पे सम की बात कर रहा है ना, मतलब एडिशन हो रहा है। ओके, तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती थी? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते थे तो सम बदलता नहीं था, इक्वल होता था। ओके, ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बी प्लस ए की भी आएगी। सो आप किसी भी नंबर को रीअरेंज कर सकते हो एडिशन में, उससे उसका आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 837 प्लस 208 प्लस 363, इसको आप कैसे रीअरेंज करेंगे? जो नंबर्स आपको सुटेबल हो जल्दी कैलकुलेट करने में, उसको आप पास में लिख लीजिए। सो यहाँ पे 837 है और यहाँ पे 3 है। वंस प्लेस देखिए, 7 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा। आपको जीरो वाला नंबर मिल रहा है लास्ट में। सो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को पास पास लिख लीजिए। ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 837 प्लस 363 एंड प्लस 208। अब इन दोनों नंबर को ऐड करिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ऐसा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। लिख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हो एडिशन। एडिशन में वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में अप्लाई होती है। अभी आप एडिशन कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से मैंने नंबर को रीअरेंज कर दिया। नाउ अब यहाँ पे 3 नंबर है। आप 3 नंबर को इकट्ठा तो ऐड करोगे नहीं, आप क्या करोगे, इनका ग्रुप बनाओगे। किसी भी 2 नंबर को पहले ऐड करते हैं, फिर जो उसका आंसर आता है वो तीसरे नंबर में ऐड करते हैं। सो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दिया। इससे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है ग्रुप करने वाली? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही हेल्प से मैंने इसको ऐसा लिखा। नाउ अब इन दोनों को ऐड करिए। 7 3 10 कैरी आया 1, ये बन गया 7, 7 3 10, फिर से कैरी आया 1, ये बन गया 9 एंड 9 3 12, ये बन गया 1200 और यहाँ पे है 208। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 8 8, 0 0 0, 2 2 4 एंड 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1408। सो प्रॉपर्टी के हेल्प से कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मैंने इसका सम फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, इसको ऐड करना है। यहाँ पे भी आप नंबर को रीअरेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी सुटेबल रीअरेंजमेंट हो आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे 2 है, इसका एक ऐसा पेयर ढूंढिए कि ये 10 बन जाए, लास्ट में 0 वाला नंबर आ जाए। तो 2 के साथ आप कौन सा नंबर लिखेंगे, 8 वाला, तभी 8 2 10 होगा, एंड 3 के साथ 7 वाला लिखेंगे, 7 3 10 हो जाएगा। सो लिखते हैं 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने इसको ऐसा लिखा, नंबर्स को रीअरेंज कर दिया। अब अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा दूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें दोनों प्रॉपर्टी लग चुकी है, इस लाइन में दोनों प्रॉपर्टी लगी है, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इसको सॉल्व करिए। 8 2 10 कैरी आया 1, 7 3 10 कैरी आया 1, 10 5 15 कैरी आया 1 2 1 3 एंड प्लस, इसको ऐड करिए, 7 3 10 कैरी आया 1, 6 4 10 कैरी आया 1, 7 4 11। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन है। सो 0 0 6 एंड 4, क्या आ गया, 4600
दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट्स. ओके, सो क्या है पहला क्वेश्चन? नंबर ए, 2 × 1768 × 50. आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स को रीअरेंज करना है जिसमें आपको आसानी हो मल्टीप्लाई करने में. आप वो नंबर को रीअरेंज कर लीजिए. ओके, जैसे यहाँ पे 2 को अगर 1768 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. आप सबसे पहले ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई कराइए जिनको मल्टीप्लाई कराने पे वंस प्लेस पे आपको जीरो मिल जाए, तो इससे इजी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करना. यहाँ पे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो मिल रहा है? अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वंस प्लेस पे जीरो मिलेगा. देखिए 2 × 0 = 0, तो मैं 50 को 2 के साथ लिख लेती हूँ, 2 × 50 लिख लेती हूँ एंड × 1768. ये किस प्रॉपर्टी से मैंने ऐसा लिखा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर्स को रीअरेंज कर लेते हो, उससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपने पढ़ा था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी का जो आंसर आता है वही b प्लस ए का भी आंसर आता है. मतलब मल्टीप्लाई में है, ये तो मैंने एडिशन बता दिया. अगर मल्टीप्लाई में आप कर रहे हैं तो जो a मल्टीप्लाई बी का आंसर आएगा वही सेम आंसर b मल्टीप्लाई ए का आएगा. मतलब आप नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई में रीअरेंज कर रहे हो तो नंबर पे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो मैंने नंबर्स को यहाँ पे रीअरेंज कर दिया. अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, 52 × 100 एंड × 768. जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है. ये जो नंबर है ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 768 बन जा 1768 एंड कितने जीरो? 2 जीरो. यही आपका आंसर है. नाउ बी पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट में क्या है? 4 × 166 × 25. सबसे पहले आप कौन से दो नंबर को पास में लिखेंगे जिससे आपको वंस प्लेस पे जीरो मिल रहा हो? तो देखिए 4, 5 × 20, लास्ट में जीरो मिल रहा है ना, तो इन दोनों नंबर्स को पास पास लिख लीजिए. 4 × 25 × 166, इसका मल्टीप्लाई कराइए. 25 × 4 = 100 होता है × 166. अब 166 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 166 बन जा 166 एंड कितने जीरो? 2 जीरो. दिस इज योर आंसर. नाउ सी पार्ट क्या है? 8 × 291 × 125. आपको कोई भी सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है तो आप कौन सा नंबर पास में लिखेंगे जिससे आपको वंस प्लेस पे जीरो मिल रहा हो? 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराइए तो 8 × 5 = 40 होता है, लास्ट में जीरो मिल रहा है, तो आप इन दोनों नंबर्स को पास पास लिख लीजिए. 8 × 125 × 291. इससे क्या है? इससे मल्टीप्लीकेशन इजी हो जा रहा है. अगर आप 8 को 291 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 125 से कराएंगे, बहुत टाइम ले लेगा मल्टीप्लाई करने में. बट अगर आप पहले सुटेबल रीअरेंजमेंट की हेल्प से अगर आप नंबर्स को पहचान लेते हो कि कौन सा नंबर हम साथ में लिखेंगे, मेरा मतलब पूरा प्रोसेस मेरा इजी हो जाए, तो फिर आप उसको नंबर को ढूंढिए और जहां पे जीरो हो रहा हो सबसे पहले वो नंबर आप साथ में मल्टीप्लाई करिए. सो इसको मल्टीप्लाई करिए, 125 × 8 = 40, कैरी आया 4, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20, कैरी आया 2, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 10. क्या बन गया? 1000 एंड × 291. अब 291 को 1000 से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है. 291 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 291 एंड कितने जीरो? 3 जीरो. दिस इज द आंसर. देखिए हमने रीअरेंजमेंट की हेल्प से कितनी आसानी से प्रोडक्ट निकाल लिया बिना मल्टीप्लाई किए. अब डी पार्ट सॉल्व करेंगे. डी पार्ट में क्या है? 625 × 279 × 16. अभी आपको ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई कराने पे लास्ट में जीरो मिल रहा हो.
अगर आप 279 को 625 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बहुत लेंथी आएगा और लास्ट में जीरो भी नहीं आ रहा है, 95 जा नहीं आ रहा है जीरो। अब 625 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 65 जा 30 होता है, लास्ट में जीरो मिल रहा है। सो 625 को 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 625 को 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों को पास पास लिख लीजिए, 625 इंटू 16 इंटू 279। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा, 65 जा 30 कैरी आया 3, 62 जा 12, 12 3 15 कैरी आया 1, 66 जा 36, 137, 15 जा 5, 12 जा 2 एंड 16 जा 6, 0 5 5 10 कैरी आया 1, 8 2 10 कैरी आया 1, ये क्या बन गया 7 7 3 10, क्या बन गया 10,000। ये हो गया 10,000 इंटू 279। 279 को 10,000 से मल्टीप्लाई कराइए, 279 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 279 बन जा 279 एंड कितने जीरो लगा देंगे 40। दिस इज योर आंसर। नाउ अब हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे, क्या है ई पार्ट में, 285 इंटू 5 इंटू 60 कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले आपको ऐसे नंबर का पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई कराने पे वंस प्लेस पे जीरो मिले, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे वंस प्लेस पे जीरो मिल रहा है, 5 5 जा 25, वंस प्लेस पे 5 आ रहा है जो कि नहीं चाहिए हमें, वंस प्लेस पे जीरो लाना है, पहला हमें ऐसा पेयर ढूंढना है। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 0 जा 0 आएगा लास्ट में, 285 को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 6 जा 30 एंड 10 और है, 5 6 जा 30 एंड ये वाला जीरो लिख दिया, 300 बन गया। अब 285 को 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 300 से कराने की जरूरत नहीं होती है, ये दो जीरो लास्ट में हम लगा देंगे, 285 को 3 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 5 जा 15 कैरी आया 1, 8 3 जा 24 24 1 25 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 6 2 8 855 आ गया और कितने जीरो 20। सो दिस इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट सॉल्व करते हैं, एफ पार्ट में क्या है, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। सबसे पहले आपको ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई कराने पे वंस प्लेस पे जीरो आ रहा हो, तो 5 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे, 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए 125 इंटू 8 को साथ साथ लिख लीजिए एंड फिर इंटू ये 40 इंटू 25 बचा ना, हाँ 40 इंटू 25 को आप एक साथ लिख लीजिए। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 125 8 जा कितना होगा, 8 5 जा 40 कैरी आया 4, 8 2 जा 16 16 4 20 कैरी आया 2, 8 1 जा 8 8 2 10 1000 आ गया एंड मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, ये जीरो, जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो बाद में लग जाता है, 25 4 जा 100 एंड 10 और था, एक जीरो और लगा दीजिए, 1000 बन गया। आप 1000 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है, सिर्फ 1 1 जा 1 हो जाता है और जितने जीरो है लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी कि कैसे हम यहाँ पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये देखिए ये जो मैंने नंबर्स को रीअरेंज किया हुआ है, जैसे मैंने 25 को यहाँ पे कर लिया, ये थर्ड प्लेस पे था, मैंने इसको सेकेंड प्लेस पे लाया है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और फिर इन दोनों को पहले सॉल्व किया है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में था, सो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले ए पार्ट लिखते हैं, ए पार्ट में क्या है, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट, ये मतलब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है ना, जब आपको मल्टीप्लाई प्लस साइन कुछ इस तरीके से दिखे कि 297 इंटू 17 है
प्लस 297 इंटू 3 है, 297 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में मल्टीप्लाई है। जब आपको इस तरीके से कुछ दिखे तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो होती है, एक एडिशन के लिए होती है, एक सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। सो एडिशन के लिए क्या होती है? ए इंटू बी प्लस सी। चाहे आप यहाँ पे इंटू लगाइए या ना लगाइए, इंटू मैं हटा देती हूं। अगर लिखा है ए बी प्लस सी, तो ये होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे भी आप इंटू हटा सकते हैं, इसको सिर्फ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। सो अगर आपको इस फॉर्म में लिखा है, देखिए आपको इस फॉर्म में नंबर यहाँ पे गिवन है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में। अगर मैं इसको ए बोलू तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसी फॉर्म में नंबर गिवन है। जब इस फॉर्म में नंबर गिवन रहे तो दोनों में ए को बाहर निकाल लीजिए। देखिए दोनों में ए है ना, दोनों में ए को बाहर निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा बी एंड प्लस सी। उसी तरीके से यहाँ पे 297 को बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 17 प्लस 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पे किया है। सो 297 और ये यहाँ पे कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई का? मैंने बताया चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाइए या ना लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई एंड 17 3 कितना हो जाएगा 20। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 से करिए, लास्ट में 0 ऐड कर दीजिएगा। 2 से करिए, 7 2 जा 14, कैरी आया 1। 9 2 जा 18, 18 1 19, कैरी आया 1। 2 2 जा 4, 4 1 5 एंड 1 0 और था ऐड कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है बी पार्ट? लिख लेते हैं 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। फिर से यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे प्लस है, और इन दोनों नंबर में से एक नंबर एक जैसा है, मतलब कॉमन है। जैसे 54279 यहाँ पे भी है, 54279 यहाँ पे भी है। सो इसका मतलब ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में गिवन है। आप चाहे इसको 8 इंटू 54279 लिखिए, चाहे 54279 इंटू 8 लिखिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 54279 इंटू 92, ये तो ऐसे ही है, प्लस इसको आप इस नंबर को आप इस साइड लिख दीजिए, 8 को इस साइड लिख दीजिए, 54279 इंटू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सो अब ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में बन चुका है। अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। सो इन दोनों में 54279 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 92 प्लस क्या बचेगा 8। नाउ 54279 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए क्या आ जाएगा 100। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इस ये जो इतना नंबर है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 54279 एंड कितना 0 20। दिस इज योर आंसर। नाउ अब सी पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सी पार्ट लिख लेते हैं 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। यहां पे भी देखिए ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के फॉर्म में लिखा, देखिए ए की वैल्यू वही है ना, ए दोनों जगह है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन में। अभी तक आप एडिशन में देख रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 81265 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 169 माइनस 69। सो 81265 इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, 00100 आ गया 81265। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई लगाइए 100, इसका मल्टीप्लाई 100 से करिए तो क्या हो जाएगा 81265
00। दिस इज योर आंसर। अब डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में क्या दिया है, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 2525 इंटू 218। यहां पे इतने सारे थ्री नंबर्स हैं और यहां पे भी थ्री नंबर्स है, बीच में प्लस का साइन है। यहां पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, बट यहां पे कोई नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है कि दोनों में हो, कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमें ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। सो सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इसको 769। 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, देखिए 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू 218। नाउ 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 769 और 5 को, इन दोनों को चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 95 जब 45 कैरी आया 4, 65 जो 30, 34 कैरी आया 3, 75 जो 35, 35 3, 38। अब यहां पे बचा है इंटू 5 एंड इंटू 218। अब आप देखिए 3845 यहां पे भी बन चुका है, अब दोनों में 3845 और 5 भी, देखिए यहां पे भी 5 है यहां पे भी 5 है, 3845 यहां पे है, 3845 यहां में है, यहां पे है। सो ये और ये दोनों में प्रेजेंट है, सो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हम कितना बाहर निकालेंगे, 3845 इंटू 5, क्योंकि ये दोनों में है तो इतना हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 782 प्लस यहां क्या बचेगा, 218। नाउ 3845 इंटू 5 और इन दोनों को ऐड करिए, क्या आ जाएगा, 8 to 10 कैरी आया 1, 9 1 10 कैरी आया 1, 7 3 10 बन गया 1000। अब 3845 इंटू 5 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 1000। 3845 ये मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए सबसे पहले, सो क्या हो जाएगा 5000। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1000 से तो मतलब 30 तो बाद में लग जाएगा, सिर्फ 5 से इसको मल्टीप्लाई कराना है तो करा दीजिए, 5 5 25 25 का 5 कैरी आया 2, 5 4 20 20 में 2 ऐड करिए 22 कैरी आया 2, 8 5 40 40 में 2 ऐड करिए क्या आया 42 कैरी आया 4, 9 5 3 15 15 4 90 एंड कितना जीरो ऐड करेंगे, 30, यहां 30 था यहां भी 30 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जो है वो आपको लर्न कर लेने हैं। सो ये रहा हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसका यूज करके। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ पे यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिशन के लिए मैं लिख रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है अगर इस फॉर्म में आपको नंबर गिवन है, यहां पे चाहे मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के फॉर्म में नंबर गिवन है, सो एक बार ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू बी, एंड यहां प्लस है तो प्लस एंड फिर ए इंटू सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में बोलूं तो सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी, इस फॉर्म में नंबर गिवन होगा, ये कैसे एक्सपेंड होगा, ए इंटू बी, यहां पे माइनस है तो माइनस ए इंटू सी। चलिए इसको करते हैं, सबसे पहले नंबर ए 738 इंटू 103 को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हो तो बहुत लंबी हो जाएगा,
थ्री डिजिट नंबर है, बहुत लंबी हो जाएगा इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो। आपको बिना सॉल्व किए इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बिना सॉल्व किए, बिना मल्टीप्लाई किए आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये 738 है, इस 103 को आप लिख सकते हो 100+3। ओके, अब आप देखिए a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है a इंटू बी प्लस सी। अब ये एक्सपैंड हो जाएगा, एक बार 738 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 738 इंटू 100 एंड यहां पे प्लस है, फिर 738 इंटू 3। नाउ 738 को जो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 738 00 एंड प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 3 24 कैरी आया 2, 3 3 9 9 10 11 कैरी आया 1, 7 3 21 21 1 22। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 0 और 4 4 होगा, 0 1 1 होगा, 8 2 10 होगा, कैरी आया 1, 3 2 5 5 1 6 एंड यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। दिस इज योर आंसर। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कराते तो बहुत लेंथी हो जाता। यहाँ पे हम लोगों ने बिना कहीं पे मल्टीप्लिकेशन किए आसानी से आंसर निकाल लिया है प्रॉपर्टी की यूज से। नाउ बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या है, 854 इंटू 102, इसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 854 इंटू 102 को लिखेंगे 100+2। नाउ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है a इंटू बी प्लस सी, सो एक बार 854 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड एक बार 854 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन होगा प्लस का। 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2 सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 854 00, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई कराइए, 2 4 8 5 2 10 कैरी आया 1, 8 2 16 16 1 17। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 808 होगा, 000 होगा एंड फिर 7 4 11 कैरी आया 1, ये 6 हो जाएगा, 6 1 7 एंड यहाँ पे 8 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर आप अभी उस तरह मल्टीप्लाई कराते तो बहुत जल्दी हो जाता। सो नाउ थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में है 258 इंटू 1008। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए तो सोचिए कितना लेंदी होगा, बट प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसमें। 258 इंटू इस 1008 को आप लिख सकते हो 1000+8। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है a इंटू बी प्लस सी के, एक बार 258 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस एक बार 258 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लिख लेते हैं 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 258 एंड 30 258 000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 8 64 कैरी आया 6, 8 5 40 40 में 6 ऐड करिए कितना होगा 46, 46 का 6 कैरी आया 4, नाउ 8 2 16 16 4 20। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिए तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा और ये 0 होगा, 8 2 10 कैरी आया 1, ये हो जाएगा 6 and 2। दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डी पार्ट में है 1005 इंटू 168। अब 1005 को आप लिख सकते हो 1000+5 लिख सकते हो और इंटू 168 इसको ऐसे लिखा रह दीजिए। अब फिर से ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, एक बार 168 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 168
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो हो जाएगा 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168, ओके 1000 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 168000 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कराइए 85 जब 40 कैरी आया 4 65 जब 30 34 ऐड करिए 34 कैरी आया 3 51 जब 5 53 8 इसको ऐड कर दीजिए 000044 यहाँ पे 8 एंड फिर 168 ओके दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5 अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे एक टैक्सी ड्राइवर है उसने अपनी कार के टैंक को 40 लीटर पेट्रोल से फिल किया मंडे को मतलब मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल अपनी कार में डलवाया द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल नेक्स्ट डे का मतलब मंडे था नेक्स्ट डे होगा ट्यूसडे ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया टैंक में इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹65 पर लीटर अगर एक लीटर पेट्रोल का कॉस्ट ₹65 है देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल तो उसने पेट्रोल पर कितना खर्च किया सो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ये वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड्स में ही इसको सॉल्व करना है सबसे पहले आप लिखेंगे ऑन मंडे पेट्रोल फिल्ड कितना पेट्रोल फिल हुआ मंडे को 40 लीटर्स फिल हुआ देन ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट डे का मतलब ट्यूसडे और ट्यूसडे पेट्रोल फिल कितना हुआ पेट्रोल फिल इज इक्वल्स टू 50 लीटर्स आप टोटल पेट्रोल फिल निकाल लीजिए टोटल पेट्रोल फिल्ड ऑन बोथ डेज दोनों डेज में कितना पेट्रोल फिल हुआ है दोनों को ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 40 प्लस 50 कितना आ जाएगा 90 लीटर टोटल उसने दो दिन में पेट्रोल फिल किया है अब बोल रहा है कि एक लीटर पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो ₹65 है सो लिखिए 1 लीटर पेट्रोल प्राइस या फिर कॉस्ट 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितना है ₹65 एक लीटर में 65 रुपए लग रहे हैं सो बोल रहा है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल तो उसने पेट्रोल पर कितना खर्च किया उसने टोटल 90 लीटर पेट्रोल भरा है एक लीटर में ₹65 लग रहे हैं तो 90 लीटर में कितना लगेगा सो 90 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितना हो जाएगा 90 लीटर का ₹65 × 90 हो जाएगा है ना ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं यहां 1 का पता था आपको ज्यादा का निकालना है तो ज्यादा के लिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करा दीजिए 95 या 45 कैरी आया 4 96 जा 54 में 4 ऐड करिए कितना आया 58 एंड 10 और था 10 लगा दीजिए तो कितना रुपए है ₹5850 उसने स्पेंड किए तो आपको वर्ड्स में आंसर देना है आप क्या लिखेंगे ही स्पेंड ही का मतलब टैक्सी ड्राइवर ही स्पेंड ₹5850 इन ऑल ऑन पेट्रोल दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग एक वेंडर है जो कि मिल्क सप्लाई कर रहा है वो 32 लीटर मिल्क होटल में दे रहा है मॉर्निंग में
एंड 68 लीटर मिल्क इवनिंग में दे रहा है होटल में। इफ द मिल्क कॉस्ट रुपीज 45 पर लीटर, अगर 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट 45 रुपीज है, हाउ मच मनी इज ड्यू टू वेंडर पर डे। सो वेंडर का एक दिन का कितना पैसा बना, वेंडर को एक दिन में कितना रुपए मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इन मॉर्निंग मिल्क सप्लाइड मॉर्निंग में कितना मिल्क सप्लाई हुआ है, 32 लीटर। इन इवनिंग मिल्क सप्लाई 68 लीटर। टोटल मिल्क सप्लाई निकाल लीजिए, टोटल मिल्क सप्लाई उसने टोटल कितना मिल्क सप्लाई किया एक दिन में, टोटल मिल्क सप्लाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 32 + 68 कितना आ जाएगा, ऐड करिए 8 × 2 = 10 क्या है, 173 = 10। 100 लीटर मिल्क वो सप्लाई कर रहा है एक दिन में, देखिए मॉर्निंग में और इवनिंग में, एक दिन का बता रहा है। ओके, सो टोटल मिल्क सप्लाइड इन वन डे आप लिख सकते हैं, इन वन डे टोटल मिल्क सप्लाइड इन वन डे कितना हो गया, 32 + 68 दैट इज 100 लीटर। नाउ 1 लीटर मिल्क कॉस्ट कितना है, 1 लीटर मिल्क कॉस्ट कितना है, 45 रुपीज। देन 100 लीटर मिल्क का क्या प्राइस होगा, 100 लीटर मिल्क कॉस्ट इज इक्वल टू 100 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, रुपीज 45 × 100 क्या आ जाएगा, रुपीज 4500। सो वेंडर को एक दिन में कितना रुपए मिलेगा, 4500 रुपीज मिलेगा। सो आप वर्ड्स में लिख लीजिए, रुपीज 4500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। हर एक दिन वेंडर को 4500 रुपीज मिलेगा। नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। ओके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 पार्ट्स है, इनको आपको मैच करना है, जो भी करेक्ट हो, जो भी ट्रू हो उससे आपको मैच करना है। सो पहला क्या है, 425 × 136 इज इक्वल टू 425 × 6 + 30 + 100। सेकेंड है 2 × 49 × 50 इज इक्वल टू 2 × 50 × 49। थर्ड इज 80 + 2005 + 20 इज इक्वल टू 80 + 20 + 2005। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो यहाँ पे है 2 × 49 × 50 जो है वो रीअरेंज कर दिया गया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट करने की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन में अप्लाई होती है, सो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में हमने पढ़ रखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में अप्लाई होती है। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो दिस इज कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो ये तो देख के ही पता चल गया कि कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। थर्ड वाले देखिए, 80 + 2005 + 20 = 80 + 20 + 2005। यहाँ पे भी नंबर का रीअरेंजमेंट हुआ है, देखिए ये दोनों नंबर रीअरेंज हो गए हैं। सो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में, देखिए कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि आप नंबर्स को रीअरेंज करो तो आंसर नहीं बदलता है एडिशन में, आप इसको चाहे ऐड करो चाहे इसको ऐड करो आंसर सेम रहेगा। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी और आप ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हो, 3 नंबर्स है, आप किसी को भी किसी में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर तीसरे मल्टीप्लाई करिए, सो आंसर नहीं बदलेगा, आप रीअरेंज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट वन,
425 into 136 = 425 into 6 + 30 + 100। ये जो 136 है उसको एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख दिया गया है, 425 into 6 + 30 + 100। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये देखिए एडिशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो ये मैच होगा सी पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।